सुन्नी सैयद अकीदा मुसलमानों तुम्हें क्या चाहिए? ए मौलाना इरफानुल हक मुजाहिद उत्तराखंड, दो मिनट मुझे बर्दाश्त कर लो बस। एक कौम तुम्हें क्या चाहिए? तो कौम का जवाब है हमें हुसैन चाहिए। बोलो चाहिए हुसैन को या हुसैन? ये कौम हुसैन चाहिए। इस हुसैनी कौम से ये सबक ले लो, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। कह दो इस दौर के यजीदियों से हम हुसैनी निजात, हम हुसैनी निजात। मैंने पूछा सुभान अल्लाह, गरीब नवाज चाहिए। मौलाना जाहिद रजा उत्तर उत्तरपुर के अंदर इतना बड़ा मजमा किसके नाम पर आया है? मुफ्ती मन्नान के नाम पर, मौलाना जाहिद के का नहीं। ये मजमा मुफ्ती आजम की जबान के अंदर आया है। वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले? हाँ हंसी तुम हो फितने मिटाकर चले। मैंने पूछा कौन क्या कौन चाहिए? तो कहा अजमेर। तो मौलाना जाहिद रजा ने अजमेर ला दिया। हजरत सैयद अनवार मियां साहब चिश्ती रजवी आ गए। मैंने पूछा एक कौम तुझे क्या चाहिए? तो कहा साबिर पाक का करम चाहिए। तो साबरी सज्जादे मिल गए। मैंने पूछा एक कौम मौलाना जाहिद रजा को चंदा दे या ना दे, तू ये बता क्या चाहिए? तो बरेली से सुभानी मियां का दामाद मिल गए। मैंने पूछा एक कौम तुझे क्या चाहिए? मौलाना जाहिद रजा से क्या चाहता है? तो कहा हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी की बारगाह के शहर का सज्जादा चाहिए। मिल गया। तो उत्तरपुर के नौजवान साथियों, ठाका मारता हुआ मजमू तेरी सुन्नियत को सलाम, तेरी अकीदत को सलाम। और ये जो अंधे हैं ना के उम्मी और ये बेपरवे, इनकी बातें तो पहले ही कह गए। कौन कह गए? वो कह गए जिन्हें सबने ताजु शरिया कहा। अकल चौपाओं को दे बेटा हकीमे थानवी, मैं ना कहता था कि सोबत देव की। जो जुनूए खुल्द में कौओं को दे बैठे धर्म, ऐसे अंधे फैजी की। और फिर मख्ता कया खानकाई मिजाज में जो पिया को भाए अख्तर, जिनकी समझ में नहीं आ वो चुपचाप बैठे, चाहे खतीबी साहब के बैठे हो। ताजु शरिया की बात जिसकी समझ में नहीं आई है वो चुप रहे, और जिनकी समझ में आ गई है वो नारा लगा दे। या रसूल अल्लाह, जल्दी जल्दी लाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस। आज आज पस में जो नूर हुआ, कैफ हासिल हुआ, सुरूर हुआ, ये तो बज़्मे नबी का सदका है। आज रोशन ये रुद्रपुर, खतीमा से मौलाना इरफानुल हक मिलाए। मौलाना जाहिद जिस लेन में चलते हैं वो उसकी आखिरी मंजिल दिल्ली है। तो इस जलसे की निजामत दुनिया में जो राजधानी है उस दिल्ली से कैसर खादिज साहब आबा में, इसकी निजामत को भी सलाम, तुम्हारी सुन्नियत को भी सलाम, जो पिया को भाए अख्तर। किस मौलाना की समझ में नहीं आई है? आप उठाओ, जिंदा दिल हो जाओ,
और नहीं होगा तो फिर मैं ये कहूंगा मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे ना मिटा है। जो पिया को भाए अख्तर वो बरेली को नहीं रोक पाओगे। जिसने बरेली को रोका उसका खुदा हाफिज हो गया। हाँ चलो मैं तुझे बोल लेने दो, दोनों नस्बतें हैं। कछौछा भी तुम्हारे साथ है अशरफी तू नाश कर अपने अशरफ पर। कौन पाता है खानदान ऐसा है किसी मौलाना में हिम्मत जो इरफानुल हक के सामने बरेली को रोक ले। तुम क्या रोकोगे, हमें काबे का इमाम नहीं रोक पाया। हमने वादी यही कहा मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी ही पाएंगे। सरकार में नजा है जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। हजरत मेरे बाद कौन आएगा कहां से आएगा? मौलाना जाहिद रजा तुम्हारी काविशों को सलाम, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। तुमने किसी गांव को नहीं बुलाया है, बुलाया है तो किसे? माल माल और माल को जरा सा आगे बढ़ा तो माले तो जिसके पास माल है वो आएगा। असलम मियां से पाबाद में वो आएगा जो इमाम अहमद रजा की बोली बोलेगा। हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ ना दे। मर्दूद ये मुरायत किस आयत खबर की है। और मौलाना इरफानुल हक उत्तराखंड से चल के सारी सुन्नियत को बता रहे हैं मांगेंगे। मौलाना लोग मांगेंगे नहीं, मुझे तो बिना मांगे मिल गया भैया। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी ही पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अदर की है। आज मेरे मौला से लेके बरेली शरीफ तक हजरत मौलाना जाहिद रजा के साथ पूरा काफिला कल भी था आज भी है। इस आदमी की इज्जत और कद्र करो। ये तुम्हारे दरमियान में करबला से लेकर बरेली शरीफ तक नस्बते रसूल भी लाया है, आले रसूल भी लाया है, मसलके हक भी लाया है। और मैं ये कह के जा रहा हूँ हो गई पार वही कश्तिये सिया वामिख जब सहारे के लिए आ गई रहमत उनकी। अस्सलाम वालेकुम।